देव चला रहा है साइकिल। देव से इसके जन्मदिन पर हमने साइकिल दिलाई थी और देव साइकिल चलाता है पार्क में। बहुत खुश है देव, इतना खुश है कि बस पूछिए ही मत। रोज कहता था मम्मी मेरी साइकिल छोटी है, ये बड़ी दिलवाओ मुझको। वो जा रहा है बहुत तेज। अब सिंध साइकिल आई है, देव पार्क में लेना पड़ता है रोज, मानता ही नहीं क्योंकि यहाँ पर दूबड़ा खड़ा हुआ है तो यहाँ चला लेता है यू। वैसे डर लगता है सड़क पर चलाता है, गिरने का कहीं चोट वोट ना लग जाए इसके और इसका गोड्डा गड्ढा ना फूट जाए, तो इस वजह से मैं इसे पार्क में लेकर ही आती हूँ। वो जा रहा है बहुत तेज। अब इधर बच्चे खेल रहे हैं और इसकी बुई पता नहीं कहाँ है, बुई अभी पीछे रह गई, अभी बुई घूम रही है, वो आ रही होगी देखो। और मैं भी और बुई घूम रही है क्योंकि वजन कम करेगी। क्योंकि कसम खाई है कि वजन कम कर कर ही जाऊंगी। कभी ये झूलती है और कभी घूमती है तो इसका वजन कम कर कर ही भेजेंगे। तो देव ने और मैं इसे लेकर आती हूँ पार्क में, जिससे इसका वजन कम हो। अब देव भी आ गया घूम कर, ये है देव भी। इसका जन्मदिन था 25 अप्रैल का और 25 अप्रैल पर सब आए थे और हमने कथा भी कराई थी। इसकी मम्मी भी आई थी, इसकी मम्मी दिल्ली रहती है, सोनिया भी आई थी, इसके पापा भी आए थे, सब आए थे मेहमान। और फिर उसी दिन हम इसकी साइकिल भी लाए थे और साइकिल लेकर ये बहुत खुश है और हम भी खुश हैं। ये खुश है तो क्योंकि बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी होती है। और उसी दिन इसकी बुई आई थी तो बुई मैंने रख ली थी, मका भी रह ले तो चली जाना, पता नहीं कैसे आई। क्योंकि जब किसी के कुछ मिसकाज होता है तभी कोई किसी के यहाँ जाता है, वैसा तो जा ही नहीं पाता। ये देव आ रहा है, देव देखो बच्चे कैसे खेल रहे हैं। ये रे बच्चे, बहुत बच्चे खेलते हैं यहाँ।